क्या नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं और कौन से ऐसे साइन हैं जो इनकी किस्मत को निर्धारित कर रहे हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं फिंगर्स के एनालिसिस से। यहाँ पर साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफ़ी छोटी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मर्करी की फिंगर जो है वह अनामिका की फर्स्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुँच रही। तो सबसे पहली इनको दिक्कत रहेगी कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन स्किल्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। उसके बाद गैप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर फिंगर्स में, तो थोड़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा इनके अंदर। और अगर बात की जाए यहाँ पर इनकी तर्जनी की, तो तर्जनी की लंबाई मुझे यहाँ पर इनकी जो अपोलो फिंगर है इससे भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इनके अंदर ज़्यादा गुण जो रहेंगे वो लीडरशिप वाले रहेंगे और रिलीजियस रहेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के। और साथ ही साथ अगर अपोलो की बात की जाए तो अपोलो का जो माउंट है वो काफ़ी हाई सेट है, तो अपोलो भी इनको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ फिंगर से ये पता चल रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते ये, बहुत एनालिटिक पर्सनैलिटी नहीं है इनकी और फटाफट डिसीजन ले लेते हैं कोई भी अगर लेना हो तो। कई बार ऐसे डिसीजन लेने की वजह से लाइफ में नुकसान भी हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिंगर्स के, फिंगर्स की सेटिंग चेक करेंगे अब यहाँ पर, और थोड़ा सा एक बार क्लोजअप लेते हैं ताकि और ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझा जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी स्पेस मिल रही है सूर्य को मिल रही है, सूर्य का माउंट भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और अगर बात करें इनकी गुरु की, तो गुरु को थोड़ी स्पेस सूर्य के मुकाबले कम यहाँ पर एलोकेट हुई है। तो कह सकता हूँ कि ज़्यादा इनके अंदर मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ रहेंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहेंगी, आर्ट लविंग पर्सनैलिटी भी रहेगी, और गुरु सूर्य अच्छा होने की वजह से फेम भी मिलेगा। और गुरु की फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथी होने की वजह से इनको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनको मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक गुरु जो माउंट है, बृहस्पति का माउंट है, यहाँ पर एक स्क्वायरिश स्ट्रक्चर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति की जो रिलीजियसनेस है वो प्रोटेक्टेड रहती है, यानी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा अटल रहता है और कोई भी उसका विश्वास नहीं हिला सकता। और प्रोटेक्शन मिलती है काफ़ी सारी चीज़ों में, जो गुरु माउंट है अगर अच्छा हो, गुरु की फिंगर अच्छी हो, तो व्यक्ति को पैसे का भी धन का भी लाभ होता है। चलिए अब आगे बाकी के माउंट्स को चेक करते हैं। गुरु और सूर्य हमने यहाँ पर चेक किया, और अगर हम बात करें मर्करी माउंट की, तो मर्करी माउंट यहाँ पर एवरेज है क्योंकि थोड़ा सा लो सेट नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी खड़ी लाइनें यहाँ पर तीन के करीब मुझे लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो कह सकता हूँ बिजनेस एक्मन इनके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा, बेशक थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में माइंड इनका बहुत शार्प रहेगा, क्योंकि ऐसी ही इंडिकेशन मुझे यहाँ जो इनकी मस्तिष्क रेखा है इस पर से निकल कर जो ऊपर की तरफ लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइनें यहाँ से ऊपर की तरफ चल रही हैं, यह भी एक बिजनेस प्रोफेशन को इनकी लाइफ में यहाँ पर शो कर रही हैं। तो यहाँ से क्लियर होता है कि काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बिजनेस माइंडेड पर्सन ये रहेंगे। और अदरवाइज़ जो मर्करी है, थोड़ी सी जो इनकी फिंगर का साइज़ छोटा है, इसके लिए इनको मैं एवेंचुरियन पहनने की सलाह दूंगा, उसका लिंक मैं इनको ईमेल कर दूंगा। बहुत महंगा नहीं होता, इनको बहुत ज़्यादा महंगे जेमस्टोन्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एवेंचुरियन पहनने से इनको काफ़ी लाभ होगा, और जिससे इनको बिजनेस में और पैसे संबंधी जो दिक्कतें हैं वह इनकी कम होंगी और बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से लाइन्स को चेक करना चाहूँगा अब, क्योंकि हमने माउंट्स को देखा, यहाँ पर माउंट्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कोई वीक नहीं है माउंट्स के बाद। अब लाइंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इनके हैंड में जो लाइन चलकर आ रही है लगभग गुरु के माउंट से चलती हुई, और यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती हुई हार्ट की लाइन चल रही है, और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नीचे की तरफ चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ हल्का फुल्का स्ट्रेस रह सकता है, मेजर स्ट्रेस कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में। हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी दिखाई देती हुई चल रही है, यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ी सी यहाँ पर ओवरलैपिंग है, और एक लाइन है जो इनके मंगल तक पहुँच रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा इसको, यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो कुछ एक लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, जिससे
मंगल अफ्लिक्ट हो रहा है और मंगल के कारण ही इनके अंदर अग्रेशन काफी ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह से गुस्सा काफी ज्यादा रहता है और मैट्रिमोनियल लाइफ में भी दिक्कतें होने की संभावना इसकी वजह से हो सकती है। तो इनसे एक तरह से एक इनको सलाह देनी चाहूंगा, मंगल के उपाय ये लगातार करते रहें। और मंगल के उपायों के लिए सबसे पहले मेरे चैनल पर मंगल दोष दूर करने के उपाय नाम का एक वीडियो है, उसको ढूंढ लें, चैनल पर मेरे आराम से मिल जाएगा और उसको देखें। और यहाँ भी एक दो उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले तो मंगलवार के दिन खूनदान, और अगर वह चढ़ते हुए चंद्रमा वाले दिनों में करेंगे तो और भी लाभ होगा। महीने 6 महीने में 3-4 महीने में एक बार ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पर प्रसाद बांटें, लाल रंग के लड्डू या जो ऑरेंज से कलर के होते हैं या लाल रंग की बूंदी जो होती है उसका मीठे का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाने के बाद बांटें और थोड़ा सा खुद भी खाएं। उससे यह दोष जो होता है कम होना शुरू हो जाता है। आगे बात कर रहा हूँ इनकी लाइन ऑफ माइंड की। तो यहाँ पर जो माइंड की लाइन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन एक मिडिल एज में यहाँ पर ओवरलैप है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर मिडिल एज में चलकर कुछ प्रॉब्लम यहाँ शो हो रही है, और अदरवाइज माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर आकर बाइफोर्क हो रही है और एक ब्रांच जो है नीचे की तरफ है, और लगभग मिडिल एज में ही यहाँ पर एक स्ट्रेस की लाइन भी काटती हुई कुछ इस तरह से चल रही है, जो लगभग इनकी जो लाइफ लाइन है उसको 30 के आसपास की एज में काट रही है, और माइंड की जो लाइन है उसको थोड़ी सी बाद वाली एज में काट रही है। 2 एजेस में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है इस लाइन की वजह से, कि दोनों एजेस में यह इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो एज होगी इनकी 40 के आसपास की एज में माइंड के से रिलेटेड कुछ यानी हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक इनको मिल सकता है, और 30 की एज में भी कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप लाइन नहीं है ये, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा जो गैप है इसकी वजह से इनको मिडिल एज में जाकर थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस हैं, वो भी इमोशनल लेवल तक, मानसिक लेवल पे, जो हम कह सकते हैं एक तरह से व्यक्ति को जो मानसिक तौर पर पीड़ा होती है वैसी कुछ पीड़ा का सामना इनको करना पड़ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो लाइन नीचे की तरफ चल रही है इसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। राइटर बनने की क्षमता रहती है, ऐसा व्यक्ति कल्पनाएं काफ़ी ज़्यादा करता है और उन कल्पनाओं को चाहे तो वह कहानियों का रूप भी दे सकता है, थोड़ी कल्पनाशीलता रहती है व्यक्ति के अंदर, तो यह इस तरह की अपनी प्रतिभा को भी यूज़ कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। और अभी आगे बढ़ेंगे, इनकी लाइन चेक करेंगे लाइफ की, लाइफ की लाइन इनके बारे में क्या बता रही है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और स्क्रॉल करना चाहूँगा ताकि लाइफ की लाइन को पूरी तरह से चेक किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है, और बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस इफ़ेक्ट डाल रही हैं, और जो स्ट्रेस लाइंस हैं वह लगभग एक तो जो स्ट्रेस की लाइन यहाँ पर मैंने पहले दिखाई थी जो हार्ट की लाइन तक टच हो रही है जाकर, यहाँ से यह स्ट्रेस लाइन जो पहुंच रही है कोई 18 के आसपास की एज में इनको दिक्कत दे सकती है। सबसे लंबी लाइन यही है, उसके बाद एक दो एजेस और हैं जहां पर ऐसी स्ट्रेस लाइंस नज़र आ रही हैं जो काट रही हैं। तो यह एक लगभग 30 के आसपास की एज में, और एक जो मिडिल 25 के आसपास की एज में, 24 या 25 के आसपास की एज में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह 3 एजेस में इनको स्ट्रेस रहा होगा लाइफ में, और उसके बाद कोई भी ऐसी मेजर स्ट्रेस लाइन नहीं है, माइनर है इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जो एक तरह से लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले। अदरवाइज काफ़ी अच्छा वीनस का माउंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर आप देख, जो मैंने सर्कल किया एरिया, तो इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी अच्छी लाइफ जीता है, सारी सुख सुविधाएँ व्यक्ति को मिलती हैं। और ये मीनिंग नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति की लाइफ में होती हैं, लेकिन जैसे ही यह एज निकलेगी इनकी 30 की एज के बाद, ये आगे कोई भी मुझे स्ट्रेस इनकी लाइन में दिखाई नहीं दे रहा, तो लाइफ काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और वीनस की, वीनस काफ़ी अच्छा है, और मून का माउंट भी मुझे यहाँ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छी लाइंस ऊपर की तरफ चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइंस ट्रैवल की लाइंस हैं जो इनको ट्रैवलिंग करवा सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से भी एक लाइन निकल कर मून की तरफ चल रही है, तो कुछ
ऐसी लाइंस हैं जो इनको काफ़ी ट्रैवलिंग करवा सकती हैं, इवन कि विदेश यात्रा तक ये पर ये जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में कोई भी विदेश में सेटल होने के चांसेस मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहे। घूमने के लिए ये विदेश जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा योग जिसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इनके हाथ में बन रहा है, और जो इनकी लाइफ रहेगी लगभग 80 के आसपास की लाइफ यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। टोटल इनकी जो लाइफ रहेगी 80 प्लस की लाइफ, और काफ़ी अच्छी लाइफ है। आगे 30 के बाद सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन 30 के बाद की लाइफ मुझे काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं यहाँ से इनकी फेट लाइन लगभग नीचे से चल रही है। तो फैमिली इनकी एवरेज रही होगी, अच्छी सपोर्ट इनको फैमिली की तरफ से मिली होगी, क्योंकि यहाँ से लाइन बेस से चलना मीन्स व्यक्ति को अपने परिवार से सपोर्ट मिलती है। और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं इतना एरिया जो मैंने अभी सर्कल किया, यहाँ पर फेट की लाइन गायब हो रही है। लगभग यह 30 से 32 की एज में जाकर यहाँ पर यह लाइंस काट रही हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेस की लाइंस काट रही हैं, उसी एज में चलकर यह प्रॉब्लम शुरू होगी कुछ ना कुछ, जिसके वजह से थोड़ा सा इनका नुकसान हो सकता है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से इनको लाइफ में कुछ देर ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे फिर से लाइन चल रही है, या 35 के आसपास की इससे फिर से लाइन आगे बढ़ रही है, तो ये दोबारा से अपनी एक तरह से इनकम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वैसी ही इनकम, इस लाइन के टूटने का मीनिंग यह नहीं होता कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता, सिर्फ यह होता है कि व्यक्ति का जो काम होता है, जॉब होती है, बिजनेस होता है, उसमें कुछ लॉस हो सकता है और कुछ देर के लिए वहाँ पर एक सेटबैक मिल सकता है। व्यक्ति थोड़ा एक तरह से अपने काम में, अपनी जॉब में अवोन्नति जिसको कहते हैं, पीछे चला जाता है, लेकिन फिर आगे से दोबारा यहाँ से शुरू हो रहा है। लगभग 35 के आसपास की एज में दोबारा से चांसेस बन रहे हैं, इनकी डिज़ायर्स जो इनके अंदर रहेंगी, जैसे अपना घर खरीदना या अपनी शॉप खरीदना या कुछ भी ऐसी जो बड़ी डिज़ायर्स हैं, वह लगभग 35 की एज में यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस एज के बाद काफ़ी अच्छी इनकी जो लाइन ऑफ फेट है चलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एरिया ऐसा है यहाँ पर यह हमें लाइन मिस होती दिखाई दे रही है, अदरवाइज मनी ट्रायंगल के मामले में काफ़ी क्लियर है। और अगर हम इस लाइन को भी कंसीडर करें मस्तिष्क रेखा में, क्योंकि दो ब्रांचेस बन रही है, तो यहाँ तक मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा और चारों तरफ से क्लोज मनी ट्रायंगल है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा ये अपनी लाइफ में सेव कर लेंगे और लाइफ जो है लग्जरी से गुजरेगी। शुरू में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे नज़र नहीं आ रही। आगे की लाइफ ये खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ से बाद की इनकी जो लाइन है लाइफ की बहुत क्लियर है और बहुत ही नाइस तरीके से चल रही है, फोकस्ड लाइन है, तो काफ़ी अच्छी लाइफ इनकी आगे चलकर होने वाली है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के, जिसके बारे में मैंने कोशिश की कि सारे के सारे निशानों को, चिन्हों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं ध्यान में आती और बंदा बताना भूल जाता है। तो इनसे एक रिक्वेस्ट है कि इनके अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो मुझे यह ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, अगर यह ईमेल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे ही मुझे वह क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन जो इनके रहे होंगे, वो उसको सेंड कर सकते हैं। और बाकी सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको कोई नई चीज़ इस हथेली में दिखाई देती है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरे और रोचक वीडियो लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।